हेलो डियर डियर्स वेलकम बैक सो आज का जो ये पर्टिकुलर वीडियो है ये आर के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मैथमेटिक्स टू का एग्ज़ाम अभी होने वाला है जब हमने एम थ्री के एम बनाए थे तो उसमें कई सारे कमेंट्स और कई मेल्स भी मेरे पास आए रिलेटेड टू एम ऑफ मैथमेटिक्स टू तो ये स्टूडेंट ये उन्हीं आ, स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और अभी आगे आने वाले जो सीरीज़ ऑफ़ वीडियोस हैं वो इसी पे होंगे और इसी कंप्लीट कोर्स uh, पे होगा तो ये पर्टिकुलर कोर्स जो है देर आर फोर सेक्शनस इन दिस कोर्स अगर आप ध्यान से देखोगे सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू यू नो ओ डी ईड डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी ई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्प्लेक्स एनालिस एंड वैक्टर कैलकुलस ये चार सेक्शन पे आपका ये कंप्लीट कोर्स डिवाइड है ठीक है और बहुत ही अच्छा कोर्स है मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू और इसमें से एम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बहुत ही एम सी क्यूज इनमें से बन सकते हैं तो मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं और एम सी क्यूज़ हैं इनमें यूजली आते हैं और जो आग आए हुए हैं एग्ज़ाम में कई सारे उनको पिक किया हुआ है तो आज के इस जो वीडियो में हम लोग मॉड्यूल वन के एम को कम्प्लीटली देखेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक पे हम एम को देखते हैं चलो शुरू करते हैं फिर बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो ओके थैंक यू सो मच लेट्स स्टार्ट सो सो पहला एम जो है वो आपका रिलेटेड है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से च वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा इसमें से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा सो so, आपको पता है होगा कि किसी भी ऑर्डिनेरी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जिसमें अगर ये कंडीशन हो डेल एम बाई डेल वाई इजिकल टू डेल एम बाई डेल एक्स तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या हो जाता है एग्जैक्ट ठीक है तो जरा इसमें चेक कीजिए इन चारों में कौन सा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो सही होगा ठीक है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ज़रा इसको देखेंगे हियर यू सी एम एंड दिस इज एन तो अगर आप इसमें चेक करोगे डेल एम बाई डेल वाई करोगे तो ये आपका आएगा टू एक्स और यहाँ डेल एन बाई डेल एक्स करेंगे ये आ जाएगा ज़ीरो सो so, टू एक्स इज नॉट नेसेसरीली ज़ीरो तो ये तो आपका एग्जैक्ट नहीं हुआ सेकेंड पार्ट देखिए सेकेंड ये थर्ड देख लेते हैं थर्ड इज़ यू नो उसके जैसा ही है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को सो so, यहाँ पर टू एक्स वाई आपके पास एम है और एन आपके पास टू वाई स्क्वायर प्लस टू वाई सॉरी वाई स्क्वायर प्लस टू वाई है तो डेल एम बाई डेल वाई करेंगे तो आपके पास आएगा टू एक्स और डेल एन बाई डेल एक्स करेंगे वो आएगा जीरो अगेन ये भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है इसको ज़रा चेक करेंगे तो आप उसको एक्सप्रेस करोगे किस फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में तो आप इसको X से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास जो टर्म आएगी मी राइट दैट सो इसको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है जिसमें आपका ये M है और ये N है डेल इस M को आप Y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे सो so, डेल m बाई डेल वाई यहाँ पर आएगा माइनस एक्स ठीक है और यहाँ पे डेल एन बाई डेल एक्स जो है वो आएगा माइनस टू एक्स तो ये दोनों सेम नहीं है सो so हैंस ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो बचा है ये ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा सो फोर्थ ऑप्शन के लिए मैंने एम इसको एक्सप्रेस कर लिया है यहाँ पे डी एक्स आएगा दिस विल बी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जिसमें आपका ये एम है ये एन है तो आप यहाँ देखोगे डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स और इसमें देखोगे डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स सो ये दोनों आपके पास सेम है इस केस में तो दिस इज द करेक्ट आंसर ओके देखो डिग्री और ऑर्डर पे एक क्वेश्चन आने के हमेशा ही चांस रहते हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो डिग्री ऑर्डर और, और, और डिग्री की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और उस पर बेस्ड हमेशा 100 परसेंट क्वेश्चन आएगा ही तो ऑर्डर हमेशा वही होता है यहाँ पर ऑर्डर पूछा है ऑर्डर आपके पास हमेशा वही होगा Uh, जो कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डेरीवेट हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स सो हियर यू सी ये टू नंबर ऑफ़ टाइम्स आपके पास डिफरेंशिएट हुआ है मैक्सिमम सो द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी टू अब उसी सेम क्वेश्चन पे आप डिग्री बताइए कितना होगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि मैक्सिमम डिग्री देख लेते हैं और आंसर जै, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें आप आंसर सेवन टिक करके आ जाते हो ये टोटली totally गलत है दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट्स कि जो डिग्री होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है उसकी पावर जो होती है उसको डिग्री बोला जाता है ठीक है तो आपके पास इस हिसाब से जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो आएगा थ्री तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ सुन लो कि जो डिग्री इज नथिंग बट इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ठीक है इन द डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो डिग्री होगी वो आपके पास डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो वो यहाँ पे आप देखो थ्री है ओके ये क्वेश्चन एक कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है वाई डबल डैश होल रेस्ट टू दावर थ्री बाई टू इक्वल टू वाई डैश सो वट विल बी डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको करना कुछ नहीं है इस होल डिफरेंशियल इक्वेशन को होल uh, स्क्वायर से यू कैन right से लेफ्ट एंड राइट साइड होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा वाई डबल डैश होल क्यूब इज इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर सो यहां से भी आप देखोगे इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा दैट विल बी थ्री ठीक है क्योंकि ऑर्डर क्या है मैक्सिमम ऑर्डर यहाँ पे टू है तो इसी की और डिग्री मुझे देखनी है इसी की पावर देखनी है दैट इज़ थ्री सो इस केस में भी इसका आंसर थ्री होगा ओके okay? इसमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सो अगर आप देखोगे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखोगे डेल एन बाई डेल वाई जो है वो ई रेस्ट टू तो द पावर वाई ही है और डेल एम बाई डेल एक्स जो है वो भी आप देखोगे ई रेस्ट टू तो द पावर वाई ही है ठीक है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया इक्वेशन हो गया और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो आपका सॉल्यूशन होता है आप देखोगे किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आप डी यू इज इक्वल टू इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो डेल यू ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई डी वाई यस इसको आप अगर कंपेयर करोगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से तो आपके पास m की वैल्यू आ रही है ये और एन की वैल्यू आ रही है ये ठीक है सो एम की वैल्यू मतलब ई रेस्ट टू दर वाई इज इक्वल टू डेल्यू ओवर डेल एक्स यस एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ एन देन डेल्यू ओवर डेल वाई इज नथिंग बट एक्स ई रेस्ट टू दर वाई प्लस टू वाई यस सो so, जब भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डेली ओवर डेल यू एक्स इक्वल टू ई रेस्ट टू तो पावर एक्स को जो एम की वैल्यू होता है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स सो so, इस सॉरी ई रेस्ट वाई इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो ई रेस्ट वाई में एक्स नहीं है तो ई रेस्ट वाई जो है वो कॉम आप बाहर ले सकते हो ट विल बी प्लस सी और ये जो सी होगा ये जो फंक्शन होगा इट विल बी ए फॉज मैं इंटीग्रेट एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो आपके पास आ जाएगा ई रेस्टू देर वाई एक्स प्लस फाइव ऑफ वाई ठीक है सो ये यू ऑफ आया यू ऑफ एक्स वाई आई है अब इसमें फाइव ऑफ वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी फाइव ऑफ वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लोग y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे जब y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा सो so आप ध्यान दोगे कि e डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू ये भी है और डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू ये भी है तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर लेता हूँ जब इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो हमारे पास आएगा e रेस्ट टू दी पावर वाई एक्स प्लस फाइव डैश ऑफ वाई इक्वल टू ई रेस्ट टू दी पावर वाई और ये भी एक्स है प्लस टू वाई तो यहाँ देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास फाइव डैश ऑफ वाई आएगा टू वाई ओके सो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई तो आपके पास क्या आएगा यहाँ से देखो फाइव ऑफ वाई विल बी टू वाई स्क्वायर बाई टू मतलब वाई स्क्वायर ठीक है तो सिंपल सा मतलब है फाइव वाई की वैल्यू आपके पास वाई स्क्वायर आ गई इस वाई स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये होगा ठीक है और अ जनरल सॉल्यूशन में जस्ट दिस विल बी यू विल बी अ कांस्टेंट तो ई रेस्ट दिअर वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इसको देख लो ये ऑप्शन कहाँ पर है सो so, ये ऑप्शन जो है इससे मैच हो रहा है सो दिस इज द करेक्ट आंसर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर मल्टीप्लाइड विद द डिफरेंशियल इक्वेशन टू मेक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड उसको क्या कहा जाता है अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या मल्टीप्लाई करता हूँ मैं उस फैक्टर को क्या कहा जाता है कि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है तो वो फैक्टर होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको आप आई कहते हो यस yes? याद होगा आप लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है मतलब कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स की जो कंडीशन है वो अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक है जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से ये कंडीशन आगे जाके सेटिस्फाई हो जाती है जो नया एम डैश मान लो इसको जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसमें जो एम डैश और एन डैश होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ओके तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है देखो विद वाट फैक्टर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड टू गेट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सो ये जो आपके पास एक ये देखो लिबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म दिख रही है आपको लिबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या होती है डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी ऑफ यू नो एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इस फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको लिबनिस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा ठीक है तो ये वाट फैक्टर बोला है वाट फैक्टर इज नथिंग बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है आपके पास ई रेस्ट्री पॉर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स पी एक्स डी एक्स ओके सो यहाँ पे आप देखोगे इसको इस फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो इसके साथ अगर यू कम्पेयर uh, करोगे इफ़ यू कंपेयर दीज टू सो यू विल गेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एक्स ठीक है और क्यू एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है मतलब क्यू ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब सो लेकिन मुझे केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए पी की ज़रूरत है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ जाएगा ई रेस्टि इंटीग्रेशन ऑफ पी p is here minus x minus x dx so that is nothing but e raised to the power minus x square by 2 आना चाहिए यहाँ पे जो कि ऑप्शन में नहीं है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये यह ऑप्शन इसका सही हो सकता था तो e raised to the power minus x square by 2 will be the answer of this okay यहाँ पे आप देखोगे x square ही only लिखा हुआ है but आपका integrating factor ये आना चाहिए okay नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्नॉली डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नॉली डिफरेंशियल इक्वेशन इनमें से कौन सा है तो बर्नॉली डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए ये जो लीनियर लिबनिस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इसके साथ इस क्यू ऑफ एक्स के साथ वाई रेस्ट टू दॉर एन मल्टीप्लीकेशन में अगर हो तो वो बर्नॉली डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है यस yes, यही बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो इनमें बताना कौन सा फॉर्म इस तरह का है तो आप यहाँ पर देखोगे डी वाई बाई डी एक्स इसको आप लिखोगे माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स तो ये तो नहीं है ठीक है इसको लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स सीरियस टू दावर एक्स एंड दिस इज दिस इज योर क्यू एक्स यहाँ पे ये क्यू एक्स है ये आपके पास वाई माइनस पी एक्स आपके पास माइनस वन है सॉरी uh, वहाँ पर जाके प्लस प् वन हो जाएगा ठीक है वन है एंड uh, ये आपके पास वाई स्क्वायर सो दिस इज दी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है नीचे देखोगे आपके पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी पी की वैल्यू आपके पास अगर देखोगे ये माइनस एक्स आएगा और क्यू की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर है तो क्यू के साथ कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं है वाई का तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली नहीं है देन हियर ऑल्सो द सेम थिंग ओके दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्या है वट ट्रांसफॉर्मेशन और सब्सटीट्यूशन मीन्स वी इज़ यूज टू रिड्यूस द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ये क्योंकि वाई की पावर यहाँ पे एन है एंड एन कैन बी दैचुरल नंबर इट कैन बी मोर देन वन ओके सो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है अभी इसमें क्या मैं यूज़ करूँगा यू नो ट्रांसटीट्यूशन सो दैट इट बिकम्स अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ओके सो अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज नथिंग बट ये जो फॉर्म है इस ये फॉर्म बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की है तो एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लिबनिस डिफ्रेंशियल इक्वेशन में कैसे फॉर्म कर सकता हूँ और क्या सब्सटीट्यूटेशन यहाँ यूज करूँगा कि ये ये आपके पास लिबनिस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए ठीक है इस तरह का बन जाए तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा कि अगर मुझे रिड्यूस करना है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आपको जो एक सब्सटीट्यूशन करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है वाई रेस्ट टू दी पावर वन माइनस एन को वी लेना पड़ता है करते क्या हैं हम इस कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वन बाई वाई रेस्ट टू पावर एन से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास ये फॉर्म बन जाती है इज इट आपको ध्यान होगा पी ऑफ एक्स वाई वन अपॉन वाई रेस्ट पावर वन माइनस एन ओके okay, मतलब एन माइनस वन हो जाएगा यहां पे एंड uh, यहां पे एन माइनस वन हो जाएगा डेनोमिनेटर में और ऊपर जाके वन माइनस एन हो जाता है इज इक्वल टू क्यू रेस्टू दावर एक्स इसी को जो है हम वी लेते हैं ठीक है सो उस हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए वी इज इक्वल टू वाई रेस्ट टू दावर वन माइनस एन सो दिस इज क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ ली लाइन फैमिली ऑफ दी लाइन कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई करता है तो फैमिली ऑफ लाइन क्या होता है भाई ये देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये आपके पास कंप्लीट फैमिली ऑफ लाइन्स होती है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे देखना है तो dy वाई बाई एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ मेरे पास uh, तो आएगा दिस विल बी m यस yes? एक्चुअली जो इसमें क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हुए हैं वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए दिए हुए हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ लाइंग पासिंग थ्रू ऑरिजिन ठीक है अगर मैं अगर मैं डायरेक्टली फैमिली ऑफ लाइन ऑफ के लिए बोलूँ तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है ये पासिंग थ्रू ऑरिजिन ठीक है ऑरिजिन से जो पास होगा तो उसके लिए ये सी जीरो होगी तो आपके पास जो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम एक्स आएगा इसमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एम सो so इस एम की वैल्यू को डी वाई बाई डी एक्स यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं वाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एक्स ठीक है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं एक्स से डिवाइड कर दूँ तो वाई बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और इस y बाई एक्स को अगर मैं लेफ्ट राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो हमारे पास आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू जीरो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन इसका जो ये ऑप्शन अब आप देख लो कहां पर है दैट इज ऑप्शन सेकेंड अब बात आती है अगर ये चीज नहीं हो अगर पार्शियल पासिंग थ्रू ऑरिजिन वाला कंसेप्ट नहीं हो और डायरेक्टली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो इसके लिए डायरेक्टली आप लिख सकते हो डबल डेरिवेटिव कर सकते हो क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो कांस्टेंट है यू सी एम और सी है तो डायरेक्टली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है इक्वल टू जीरो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ जाएगा ओके सो आई होप आप लोगों को दोनों चीज़ों में मीन्स डिफरेंस क्लियर हो गया होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन के लिए आपके पास ये एंसर है और अगर पासिंग थ्रू ऑरिजिन नहीं होता है तो दिस विल बी दी आंसर ओके ओके जरा ये क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कॉन्स्टेंट कॉफिशन ठीक है सो so इसका जो सॉल्यूशन आएगा आप देखो इसका ऑग्जरी इक्वेशन क्या आएगा एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो ठीक है क्योंकि हम इसमें वाई इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर एम एक्स को सॉल्यूशन मान लेते हैं ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए और फिर जब इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये ई रेस्ट दावर एमएक्स यू सी आ जाता है बाहर ई रेस्ट पा एमएक्स जीरो नहीं होगा और इस वजह से ये जो होता है हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आता है आप लोगों को पता होगा अगर आप अभी तैयारी देख रहे हो एमसीक्यूज इसका मतलब आपकी तैयारी होगी और ये सब चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होगा दिस इज योर ऑग्जलरी इक्वेशन ओके सो ऑग्जलरी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है यहाँ पे आप देखोगे दैट इज वन एंड टू ठीक है सो वन एंड टू इज़ सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑगजलरी डिफ़रेंशियल इक्वेशन सो आपका जो सॉल्यूशन आएगा एम की वैल्यू वन और टू आई है तो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वाई वन इज इक्वल टू ई रेस्ट टू दावर एम की वैल्यू वन हैज तो एक्स एंड वाई टू इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द टू एक्स ठीक है तो जनरल uh, सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू यस तो c1 वन ई रेस्ट दावर एक्स प्लस सी टू ई रेस्ट वा टू एक्स ठीक है क्योंकि इनका लीनियर ये दोनों सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के और साथ ही साथ इनके लीनियर कंबिनेशन होंगे सभी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे सो जनरल सॉल्यूशन उसको इस तरीके से लिखा जाता है ठीक है और ध्यान देना इसमें जो ऑग्ज इक्वेशन है m ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं ठीक है अब जरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास आएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम सो फोर एम प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो तो एम आपके पास यहाँ देखो दैट इज़ टू टू दोनों सेम है अगर आप ध्यान से देखो दैट इज़ नथिंग बट एम माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो ठीक है सो टू टू आ गया तो जब जब इससे पहले वाले क्वेश्चन में एम की वैल्यू जो थी वन और टू आ रही थी विच आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ ऑग्जलर इक्वेशन लेकिन यहां पर सेम रूट है ऑक्जलर इक्वेशन के तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन हम लिखते हैं सी वन प्लस सी टू एक्स मल्टीप्लाई बाय यू नो ई रेस टू दावर जो भी है टू एक्स यस ये आएगा ठीक तो इसमें जरा ऑप्शन चेक करो कौन सा होगा इस कंप्लीट क्वेश्चन सेट का मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा जैसे मैंने एम थ्री में सभी को पीडीएफ प्रोवाइड एफ कराया था उसका गूगल लिंक आप लोगों के लिए दिया हुआ था तो इसका भी मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा लेकिन पीडीएफ में कुछ कुछ करेक्शंस करने होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे दिस विल बी सी वन सी टू यहाँ पर सभी में टू आना था लेकिन मैंने सब में सी वन लिख रखा है तो कुछ कुछ एडिट करना पड़ता है इस वजह से आप फिर इसमें देखोगे दिस इज नथिंग बट सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेस्ट टू द पावर टू एक्स सो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस सो सभी का पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा जो भी वीडियो आगे आने वाले होंगे और इसका भी मैं कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे दूंगा आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा या मेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन माइनस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा ये चारों में से आपको आंसर बताना है कि आंसर इसमें होगा कौन सा ठीक है तो आप लोगों को पता है कि जब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसमें आपका जो आप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी यू you नो know, पी एक्स वाई जो हायर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होते हैं दिस इज दी यू you नो know, ये तो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जब आप हायर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हो वाई एंथ डेरिवेटिव मान लो एंथ डेरिवेटिव है एंड देन समथिंग ए वन प्लस ए टू वाई एन माइनस वन प्लस ए थ्री वाई एन माइनस टू एंड सो ऑन और लास्ट में ए नॉट आ जाता है कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू यहाँ पे अगर क्यू ऑफ एक्स जो है वो अगर जीरो होता है तो आप बोलते हो होमोजीनियस है अगर जीरो नहीं है इट इज़ नॉट जीरो तो नॉन होमोजीनियस है तो इसने नॉन होमोजीनियस के लिए पूछा है होमोजीनियस के केस में तो अभी हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिखाया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज़ नथिंग बट जो आप वाई वन निकालते हो सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है ठीक है पर्टिकुलर इंटीग्रल आप निकालते हो जब q ऑफ x अगर नॉन ज़ीरो हो तो डिवाइड बाई डिवाइड करने के बाद यहाँ पे f ऑफ d आता है ठीक है सो सब साइब हो आई होप आप लोगों की चीज़ें देख अब आप कर रहे हो तैयारी तो और एम सी क्यू देख रहे हो तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आपको पता होगी तो इसका जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ओके दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह का है होमोजीनियस है या लीनियर है या फिर एग्जैक्ट है इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम एग्जैक्ट के लिए तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे m की वैल्यू क्या है m इज हेयर यू सी फाइव वाई ठीक है सो डेल m बाई डेल क्या करेंगे हम y दैट इज़ फाइव ठीक है और डेल n बाई डेल x करेंगे जिसमें n की वैल्यू आपके पास ये है सेवन एक्स माइनस फोर वाई तो डेल n बाई डेल x करोगे तो आपके पास सेवन आएगा दिस टू आर नॉट इक्वल तो हंड्रेड परसेंट ये नॉट एग्जैक्ट है ये एग्जैक्ट तो नहीं है ठीक है दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट सेकेंड पार्ट uh, क्या पूछा है लीनियर क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपके पास देखोगे कि किस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो इस तरीके से कर सकते हो डी एक्स डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू यू सी डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस फोर वाई अपॉन फाइव वाई ठीक है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेवन एक्स अपॉन फाइव वाई फो सेवन एक्स अपॉन फाइव वाई ओके माइनस एंड दैट इज इट इज फोर या फोर बाई फाइव ठीक है तो आप देखोगे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ये आपके पास लीनियर है ठीक है और लीनियर हो गया है यहाँ पे लीनियर तो है ये एग्जैक्ट नहीं है और क्या बात हुई है होमोजीनियस uh, का तो होमोजीनियस भी हो जाएगा ये देखो यहाँ यहीं से पता पड़ रहा है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ठीक है ना वाई से डिवाइड करोगे तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइव ऑफ वाई बाई एक्स और अगर डी एक्स एक्स अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस केस में फाइव ऑफ एक्स बाई वाई ठीक है तो होमोजीनियस है इट इज होमोजीनियस लीनियर बट नॉट एग्जैक्ट ओके तो उस हिसाब से आपका पहला आंसर इसमें सही हो जाएगा ये उसी तरह का क्वेश्चन है डिग्री और लीनियर क्या ऑर्डर है क्या डिग्री है डिफरेंशियल इक्वेशन देखो इसमें देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या आएगा ठीक है ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका ये सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर वन इस क्वेश्चन नंबर वन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए और मैं ऑप्शन में ए बी सी डी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो ये क्वेश्चन टू इसका भी आंसर मुझे चाहिए इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता ही है इसको पहले इस फॉर्म में चेंज करो डी वाई बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स ठीक है इसमें चेंज करो और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई रेस्ट बाई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स ठीक है ये भी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या आएगा क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ वीडियो को लंबा करने में आ, आप लोग भी थोड़ा मेहनत करो ठीक है ज़रा ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोफिशेंट का इसका जो ऑग्जलर इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो सो इसका जो आ, रूट आएगा ऑग्जलर इक्वेशन का वो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा आप देख लेना माइनस यू सी टू प्लस माइनस अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ फोर माइनस फोर क्रॉस टू दैट इज एट अपॉन टू ठीक है so, uh, okay? so, सो तो ये आ जाएगा वन प्लस माइनस ये आ जाएगा टू आयोटा ओके सो टू से डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा ठीक है सो वन प्लस माइनस आयोटा दिस इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ दिस यू नो ऑक्सिलरी इक्वेशन तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या जनरली वाई एक्स क्या आएगा आपके पास वाई एक्स क्या आ जाएगा आपके पास ई रेस्ट टू दी पावर अगर कोई कॉम्प्लेक्स रूट आता है आपके पास अगर ऑगजल इक्वेशन का uh, जैसे x प्लस आई वाई की फॉर्म में है x प्लस आई एक्स प्लस माइनस आई वाई तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ई रेस्ट टू दी पावर x c1 वन कॉस वाई ठीक है प्लस सी टू साइन वाई ठीक है उस हिसाब से वाई एक्स वाई सॉरी वाई तो नहीं इन जनरल लिख लिया मैंने इसको मान लो जो सॉल्यूशन एम का आया है जो एम एम की सॉल्यूशन आई है वो ए प्लस आई बी आई है सपोज तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए और यहाँ पे आ जाएगा बी वाई एंड दे हेयर ऑल्सो बी वाई ओके सो इन जनरल वे में मैंने लिख लिया था अगर एम की वैल्यू इस फॉर्म में होती है कॉम्प्लेक्स में ए प्लस आई ए प्लस माइनस आई बी तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो होगा ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स मल्टीप्लाई बाय सी वन कॉस बी वाई प्लस सी टू साइन बी वाई उस हिसाब से आप देखो यहाँ पे आपका ए की वैल्यू वन है एंड बी इज ऑल्सो वन तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वाई का वो आएगा यहाँ लिख लेता हूँ मैं वाई इज इक्वल टू ई रेज टू दावर ए की वैल्यू देखो यहाँ पे इज वन एंड बी इज वन सो इज़ वन सो दिस वन एंड सी वन प्लस कॉस वाई प्लस सी टू साइन वाई ठीक है ये आंसर आ जाएगा इसका तो जरा चेक करो इसमें क्या आंसर आएगा कौन सा ऑप्शन सही है आई थिंक दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है ये सही आंसर है इसका सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है बहुत ही सिंपल है इस इस होल इक्वेशन को टेन एक्स टेन वाई से डिवाइड कर दो ठीक है टेन एक्स टेन वाई से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बताओ सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई ओके डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स ठीक है मैं यहाँ को इसको डिवाइड कर रहा हूँ डिवाइड बाई टेन एक्स वाई टेन एक्स एंड टेन वाई तो आपके पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा अब इसको इंटीग्रेट करके आंसर ले आओ आपका आंसर आ जाएगा यहाँ आप देखोगे डी एक्स को मल्टीप्लाई कर लो डी एक्स को यहाँ ले लो यहाँ से डी एक्स में हटा देता हूँ तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यू विल हैव ये आपका x है और इसके ऊपर आपका dx है तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा log ऑफ tan x प्लस लॉग ऑफ tan y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में आप ले सकते हो log ऑफ c ठीक है तो log ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b यू कैन राइट इन प्रोडक्ट सो log ऑफ tan x tan y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी तो उस हिसाब से आप देखोगे एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दो तो टेन एक्स टेन वाई इक्वल टू सी आंसर आ जाएगा वो ये रहा ठीक है ये करेक्ट आंसर है लिबनीज रूल गिव्स ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि लिबनीज़ रूल जब आप यू वी को डिफ्रेंशिएट करते हो कोई फंक्शन को एंड टाइम जो भी है तो किसके मीन्स uh, दो फंक्शन के बीच में कौन सा ऑपरेशन होता है दैट इज़ यूजुअली मल्टीप्लिकेशन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है भाई कि जिसमें डी वाई बाई डी एक्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड इट्स डेरिवेटिव ऑल इट्स डेरिवेटिव शुड बी ऑफ डिग्री वन पहला तो ये डिग्री वन आना चाहिए और दूसरा ये कि आ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए वाई और इसके कोई भी डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए ठीक है तो ये अगर दो चीज़ नहीं हुई तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो कौन सा इसको वॉयलेट कर रहा है इन दोनों चीज़ को आप देखोगे ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है यहाँ पे आप वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास सी दिस वन y इंटू वाई डैश एक्स इज इक्वल टू सी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर तो ऑब्वियसली यही यहाँ पर भी वाई स्क्वायर आ गया है यहां पर वाई और वाई डैश भी मल्टीप्लाई है तो ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ओके बाकी ये दोनों ऑर्डर ऑर्डर हाइयर हैं लेकिन आपके पास लीनियर है ये दोनों ठीक है सो दिस वन इज नॉन लीनियर नॉट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्लोरेट्स इक्वेशन पे क्वेश्चन आएगा ये देख लेना ये आपका है फर्स्ट ऑर्डर एंड हाइयर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका अगर और नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में मैं इसका और नोट्स और और एग्जांपल इस पर बेस दे दूंगा आ या फिर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो उसका पीडीएफ कोई ना कोई मिल जाएगा आपको नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताना मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा फर्स्ट ऑर्डर ये कह के सर्च कीजिएगा लिख के फर्स्ट ऑर्डर हाइयर डिग्री ठीक है हायर डिग्री डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है ऑर्डिनरी का बोलिएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको आ, आपको एक पी मिल जाएगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है क्लोरेट्स इक्वेशन इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोरेट्स इक्वेशन अगर जिन्होंने पता होगा उसको पता होगा कि ये कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर थ्री है थ्री uh, है फोर आई डोंट नो जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फोर आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में ठीक है कहीं से आप देख भी लो कहीं से भी और इसमें कौन सा आंसर होगा आप बताओ ठीक है लेट मी राइट दिस ए बी सी डी ठीक है कौन सा फॉर्म इसमें क्लॉड्स इक्वेशन uh, है और इसके आने के चांसेस हैं पहले बता रहा हूँ और जो ये सेम क्वेश्चन है क्लॉड्स इक्वेशन पे ही उसका सॉल्यूशन पूछा है कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है तो अगर मैं क्लॉरट्स इक्वेशन अभी बता दूंगा तो सॉल्यूशन भी आप लोगों को पता लग जाएगा हालांकि अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आंसर बताना पड़ेगा कि क्लॉरट्स इक्वेशन जो फॉर्म होती है वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी फॉर्म में होती है और इसका जो सॉल्यूशन होता है बहुत ही सिंपल है दैट इज़ वाई इज इक्वल टू पी को बस सी से रिप्लेस कर दो एंड दैट विल बी योर सॉल्यूशन और इसके एम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है गाइस इस ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है ये स्टूडेंट्स आप लोग कर लेना ठीक है दिस इज एफ ऑफ सॉरी एफ ऑफ सी ठीक है x को बस इसमें जो p है p को c से रिप्लेस कर दो वही आपका सॉल्यूशन हो गया जरा इसको देखो ये क्वेश्चन कैसा है y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ वन वन प्लस पी क्यू इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा uh, यही uh, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा ओके सो व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा आप देखोगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कंप्लीटली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं फाइव ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म है कंप्लीटली जिसमें फाइव ऑफ एक्स आपके पास क्या है वाई बाई एक्स प्लस टेन ऑफ वाई बाई एक्स ठीक है तो जब भी इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है होमोजीनियस में तो हम क्या करते हैं वाई बाई एक्स को एक नया मीन्स uh, ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते ले हैं उसको वी नेम दे दे देते हैं इजेंटेड याद होगा आपको जिसमें आपका जो y की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है vx अब इसको आप डिफ्रेंशियट करोगे विद रेस्पेक्ट टू y सो so ये आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स ठीक है तो जब यहाँ पर यह dy वाई बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को टोटली totally चेंज कर दूंगा तो आप देखोगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा दिस विल बी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस टेन वी यस क्योंकि v की वैल्यू आपके पास y बाई एक्स है यस yes? तो यहाँ से देखो आप v v कैंसिल हो गया यहाँ पे और x डी वी बाई डी आपके पास आ गया है टेन वी अब आप वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हो यहाँ से तो आपके पास आ जाएगा यू you नो know? तो ये आ रहा है आपका डी वी बाई टेन वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स ठीक है तो जब आप इंटीग्रेट करोगे इन दोनों को तो आप इस tan वी को कैसे लिख सकते हो साइन बाई कॉस यस और साइन नीचे डेरिवेटिव वो साइन नीचे फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव है कॉस तो ये आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ साइन वी ठीक है और यहाँ पे भी आप देखोगे दिस विल बी लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ले सकते हो तो इसका जो सॉल्यूशन बन जाएगा आप इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग ऑफ साइन वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स सी ठीक है एक्सपोनेंशियल ले लोगे दोनों तरफ तो साइन वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स सी ठीक है तो दिस एंड वैल्यू ऑफ़ वी नाउ यू कैन सब्सटीट्यूट वी की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास आ जाएगा साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स सी सो दिस विल बी दी योर करेक्ट आंसर अब ज़रा चेक कर लेते हैं साइन वाई बाई एक्स दिस वन साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू सिक्स दिस इज़ द करेक्ट आंसर ओके आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी सो uh, और so, आव यार अब आ जाते हैं हमारे सेलेबस पे सेलेबस पे आप ले देख लो इस सेक्शन का जो है एम uh, सी जो है कम्प्लीटली कवर हो चुका है और आई होप इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं सो गाइज फर्स्ट मॉड्यूल के लिए तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से कीजिए एम सी क्यू देखिए ये मैं एम सी एम थ्री के जो एम सी क्यूज बनाए थे उसमें से एक चीज़ तो मैंने लर्न की है कि आ, जो पेपर है वो ब्रांच वाइज ब्रांच डिफर कर रहा है तो कई ब्रांच में हो सकता है कि इसके क्वेश्चन आ जाएं कई ब्रांच में हो सकता है इसके क्वेश्चन नहीं आए सो so, मैं पूरी टोटली totally गारंटी नहीं ले रहा हूँ ठीक है कि जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आएंगे ही आएंगे लेकिन यस इसमें से आने के चांसेस बहुत हैं ये श्योर sure है तो इन एम की तैयारी कीजिए इसका अगर पी आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं पी कुछ दिनों में प्रोवाइड करा दूंगा आई डोंट हैव एनी यू नो इश्यू विद इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल लाइक करो और शेयर कर दो इस uh, वीडियो को सभी के साथ जिनको ये एम की बहुत ज़्यादा नीड है ठीक है आर के स्टूडेंट के साथ भी आप कर सकते हो और ऑब्वियसली ये सेक्शन कई जो ये पोर्शन है मॉडल वन ये कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं तो कमेंट मेरे पास इस तरीके की भी आते हैं कि सर जो आपने एम प्रोवाइड करा किए हैं वो क्या इस यूनिवर्सिटी के एम के लिए हेल्पफुल रहेगा तो हंड्रेड परसेंट इट विल भी हेल्पफुल ये हमेशा ही हंड्रेड परसेंट हेल्पफुल रहेगा क्योंकि सलेबस तो आपका सेम ही है तो एम जो पूछे जा सकते हैं वो हंड्रेड परसेंट इसमें से पूछे जा सकते हैं देर इज नो डाउट ओके सो देन टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉड्यूल टू से रिलेटेड एम करेंगे कंप्लीटली विल सी कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं और इस uh, uh, जो मॉड्यूल वन एम इम्पोर्टेंट सेक्शन जो मैं बता दूँ वो आपका है ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का ये बर्नॉली डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजिनियस लीनियर इक्वेशन में आपको पता ही है जो सॉल्यूशन आ रहे थे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के वो अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफर रूट दे रहे हैं तो किस तरीके से उसके सॉल्यूशन को लिखना है वो इम्पॉर्टेंट है और और हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर डि डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्सटेंट कॉफिशेंट का आपने देख लिया सॉरी आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस वन फर्स्ट ऑर्डर हाइयर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपका क्लोरेट्स इक्वेशन है सो so, ये सब देख लेना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से एमसीक्यू आने के हमेशा ही चांसेस रहते हैं टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी होल वीडियो सी इन द नेक्स्ट वीडियो